हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्कर टेक। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपना पियोनियर अकाउंट बना सकती हैं, जिसके ज़रिए आप इंटरनेशनल पेमेंट इंटरनेशनल क्लाइंट से वसूल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपने आना है गूगल पे, यहाँ पर पियोनियर सर्च करना है। रिजल्ट में आपने pioneer.com पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद साइन इन और रजिस्टर, तो हम यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से पूछ रहा है, लेट्स फाइंड द राइट अकाउंट फॉर योर नीड IAM। तो आप जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रीलांसर और ऑनलाइन प्रोफेशनल या ई कॉमर्स सेलर, आप जो भी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर अदर डिजिटल बिजनेसेस में वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट वसूल करनी होती है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ फ्रीलांसर पर। तो लेट्स फाइंड द राइट अकाउंट फॉर योर नीड। आई एम लुकिंग टू गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे फ्रेंड एंड फैमिली। तो मैं इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट वसूल करता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ। टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंटरनेशनल पेमेंट आई रिसीव इज, तो यहाँ पर आपने आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड पर क्लिक करना है। फिर आपने रजिस्टर पर यह क्लिक करना है। तो यहाँ से हमारी मेन सेटिंग शुरू होती है। आप यहाँ पर कंपनी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया है। तो हमारा पियोनियर अकाउंट जो है ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। हम ये 4 स्टेप्स कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, दोबारा ईमेल एड्रेस डालनी है, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं इसे फिल करता हूँ। ये सब फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हमारा दूसरा कॉन्टेक्ट डिटेल ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, कंट्री के बाद स्ट्रीट नंबर आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपने मोर एड्रेस जो डालनी है वो सेलेक्ट करनी है, ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रीट नंबर वगैरह आप लिख सकते हैं, या ये आपको लिखना होगा, सिटी और टाउन ये आप ऐड कर सकते हैं, पोस्टल या जिप कोड भी आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप मोबाइल नंबर, आप जो भी जिस भी कंट्री में रह रही है तो वही का मोबाइल नंबर आपने ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर पाकिस्तानी रहने देता हूँ, और यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड, तो मैं इसे भी फिल करके देखता हूँ। कॉन्टेक्ट डिटेल के बाद आपने सेंड कोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर नंबर वेरिफिकेशन ज़रूरी है, ये आपको एक मैसेज भेज देगा, आपने इसका कोड यहाँ पर डालना। कोड फिट करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बाद थर्ड नंबर ऑप्शन जो कि सिक्योरिटी डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पर यूज़र नेम डालना है, वही हमारा ईमेल सेलेक्टेड है, मैं इसे रहने देता हूँ। यहाँ पर आपने पासवर्ड डालनी है, री एंटर पासवर्ड करनी है। सिक्योरिटी क्वेश्चन, इसका सिक्योरिटी आंसर आपने डालना है। यहाँ पर आईडी डिटेल्स में आपने अपनी आईडी के बारे में अपनी आईडी डिटेल्स डालनी है, नेशनल आईडी कार्ड उसकी भी डिटेल डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, और यहाँ पर आईडी नंबर लिखनी है, फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखनी है, अपनी लैंग्वेज में उर्दू में हम लिखेंगे, जैसे पाकिस्तान है तो हमारी ज़बान उर्दू है, तो यहाँ पर हम उर्दू में या शनाख्ती कार्ड पर जो लिखा है तो वो हम लिखेंगे। लास्ट नेम लिखनी है अपने लोकल लैंग्वेज में, यहाँ पर दोबारा अपने कैप्चा एंटर करना है। तो मैं इसे भी फिल करके देखता हूँ। सिक्योरिटी डिटेल्स फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने उर्दू में अपना नाम लिखा है। आप गूगल ट्रांसलेटर के ज़रिए बड़ी आसानी के साथ इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, वो आप कॉपी करेंगे यहाँ पर। तो फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ऑलमोस्ट डन, लास्ट स्टेप में हम मौजूद हैं। यहाँ पर आपने अपनी
पर्सनल अकाउंट जो कि बैंक अकाउंट वगैरह है उसकी इंफॉर्मेशन डालनी है। कंट्री पाकिस्तान ही रहने देता हूँ, बैंक कंट्री पाकिस्तान ही रहने देता हूँ। करेंसी PKR USD या यूरो जो भी आप कर सकते हैं, मैं PKR रहने देता हूँ। यहाँ पर बैंक नेम आप ऐड कर सकते हैं, अकाउंट होल्डर नेम जो आपके बैंक अकाउंट का नेम है वही नेम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप IBAN नंबर जो कि PK से शुरू होता है वो ऐड करना है, और फिर इसके बाद AI Agree और Agree पर क्लिक करना है। तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है इसलिए मैं नेक्स्ट पर या सबमिट पर नहीं क्लिक कर रहा। तो आप इसी तरीके से अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आए हो तो बराए मेहरबानी कमेंट में बता दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।